नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। तिंदवारी ब्लॉक परिसर में आयोजित गरीब कल्याण मेला के दौरान सिंघोली प्रधान अरुण शुक्ला सहित ग्रामीणों ने कमिश्नर दिनेश कुमार से कोटेदार की शिकायत की। बताया कि कोटा महिला के नाम से है संचालन, पति करता है, राशन नहीं दिया जाता। कमिश्नर ने तत्काल अपर आयुक्त विनोद कुमार गौड़ को गांव जाकर जांच करने का आदेश दिया। ग्रामीण कमल सरोज, शीतला देवी, अंशु राजकुमारी, शोभा प्रहलाद, राजकरण, शंकर, अमित आदि ने अपर आयुक्त को कोटेदार की खामियां बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, बांदा। विमल कुमार द्विवेदी, ब्यूरो चीफ। कोटेदार को लेकर के क्या समस्या आ रही है? कोटेदार के लेकर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव के टाइम में लोगों की ये आशा थी कि अगर मैं अगले मुझको प्रधान बना दिया जाएगा तो शायद कोटेदार की शिकायत या कोटेदार का सुधार हो जाएगा। नहीं, क्या उन्हें समस्या क्या करते हैं? वो अंगूठा लगवा लेते हैं, दो महीने तीन महीने बराबर अंगूठा लगवाते रहते हैं, गल्ला भी नहीं देते हैं। और राशन लेने अगर महिलाएं जाती हैं, ज्यादातर महिलाएं जाती हैं राशन लेने, महिलाओं से अभद्रता से पेश आते हैं, ये भी शिकायत मिली हमें। अच्छा। काफी महिलाएं हमारे दरवाजे अक्सर आती रहती हैं और शिकायत करती रहती हैं, मगर हमारे अधिकार से छीन लिया गया है कि हम कोटेदार के डायरेक्टली कोई शिकायत है या डायरेक्टली कोई उसमें वो नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक पावर सरकार द्वारा छीन लिया गया प्रधानों का। वैसे तो बार बार जब शिकायतें आई तो इन लोगों से मैंने कहा कि कुछ लिखित दो, तो गांवदारी की वजह से एक थोड़ा सा दबंग टाइप की वजह से इन लोगों ने लिखित नहीं दिया, मगर कोसती रही जी। अब अंदर से कोसती रही, भयभीत रही, मगर मैंने इनसे वादा किया कि आपकी शिकायत मैं अच्छी तरह से भली भांत से जानता हूँ और पहले से भी आप लोग पीड़ित हैं, ये शिकायत आपकी निश्चित है कि निराकरण होगा। आज कमिश्नर साहब, क्या नाम है कोटेदार का? सत्यवती यादव। अच्छा। पति वाई राम प्रताप यादव। तो राम प्रताप यादव अभद्रता करता जी, है? जी जी, राम प्रताप। आज आपने किससे शिकायत की थी पहले? माननीय कमिश्नर साहब जी आए थे दौड़े में, गरीब कल्याण मेले में आए थे, उसमें मेले में तो मुझे भी बुलाया गया था, सभी 56 गांव के प्रधानों को इनवाइट किया गया था, मैं भी गया था। कमिश्नर साहब के एक कमरे में बैठ के, माननीय ब्लॉक ग्रुप के कमरे में हम लोग जब बैठे और आपस में सभी प्रधानों की बातचीत, समस्या उन्होंने पूछी कि आप अपने अपने गांव की कोई समस्या हो तो हमसे बता सकते हैं, तो मैंने अपने गांव की समस्या को कोटेदार के माध्यम से बताया कि कोटेदार हमारे यहां से कुछ गड़बड़ी करता। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला पूर्ति अधिकारी जी को फोन किया, वहीं से अपर आयुक्त को उन्होंने वहीं से फोन किया, तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्यवाही सुनिश्चित की, वो मौके में आए, संज्ञान में लिया और सभी लोग, आप लोग। अपर आयुक्त आए, क्या आश्वासन दे गए हैं? आश्वासन दे गए हैं कि इसका निस्तारण करेंगे जी। या आप लोग नई दुकान चाहते हैं तो नई दुकान भी होगी। अच्छा। और इसके विरुद्ध ऐसा भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी। प्रधान जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा अरुण कुमार शुक्ल। आपके ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाए हैं, क्या सर खामियां मिली हैं आपको जांच में? इसमें ब्लॉक में शिकायत की गई थी कोटेदार के खिलाफ, जिसके सामने कमिश्नर साहब ने मुझे भेजा है जी। यहाँ आके मैं ग्रामवासियों से मिला हूँ, सबका बयान लिया हूँ, सबसे बातचीत किया हूँ जी। तो इन लोगों की मुख्यतः चार शिकायतें हैं जी। पहली शिकायत यह है कि बच्चों का जो राशन आया था वो नहीं वितरण किया गया है, अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता है जी। जी। उसके अलावा है अभद्र व्यवहार किया जाता है जी। भी की जाती है। अच्छा। तो इस संबंध में अभी जांच करेंगे हम लोग, विस्तृत जांच करके जी। मैं अपनी रिपोर्ट कमिश्नर साहब को दूंगा और जो भी कार्रवाई होनी होगी उसको हम लोग पिछली कराएंगे, तथा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो भी राशन आ रहा है ग्रामीणों का उसका वितरण न हो, कम वितरण हो या इस तरह का होने नहीं दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या दिक्कत है, क्या कोटेदार क्या समस्या आ रही है? यही दिक्कत अटका लगवा रहा है, इस समय से दाना नहीं दे रहा है, एक दिन अटका लगा तो दूसरे दिन कह दिया कि नहीं लग रहा है, बार बार लौटा रहा थी कह नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है कोटेदार का? जो कह रहे कि अटका नहीं लग रहा था दाना, वैसे साहब कह रहे। क्या नाम है आपका? रामबाई। आपका राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन कार्ड लिया। अच्छा, अंगूठा लगवाने के बाद क्या कहता है? कह देता है कि दाना अभी नहीं बटेगा। अच्छा अच्छा, जो कहते हैं कि अटका नहीं लगता है तो दाना, फिर भी साहब कह गए हैं कि मिलेगा, तो कह देते हैं तुमको घर से थोड़ा दे देंगे और ऊपर से बाप पुरखन तक दौड़ता है। अच्छा अच्छा, अभद्रता भी करता है। अच्छा, कब से नहीं मिला आपको अनाज वहाँ कोटेदार के यहाँ से? दो बार तो नहीं, बीच में अटका नहीं लगा, अब अटका लगा है, 10-15 दिन हो गए। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज। नमस्कार।